नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल स्टूपिड टेक में। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऑन अ व्यू 10 में आप फिंगरप्रिंट सेंसर या अपने फिंगरप्रिंट को कैसे एनरोल कर सकते हैं ताकि आप उसको अनलॉक करने के लिए और कहीं गेस्चर्स के लिए यूज़ कर सकें। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आइए देखते हैं आप कैसे कर सकते हैं। सेंसर को यूज़ करने से पहले आपको पिन या पैटर्न का एक लॉक लगाना पड़ेगा, जो कि एक अल्टरनेट तरीका होता है। जैसा कि आप फोन में देख सकते हैं, यहाँ फिलहाल मेरे पास पिन का अनलॉक का ऑप्शन है जो मैंने सेट कर रखा है। तो सबसे पहले आप ये सेट करना होगा, इसके लिए हम लोगों ने एक वीडियो अलग से बनाया, वो ज़रूर देखें। अगर आप फिंगरप्रिंट सेंसर पे डायरेक्ट जाते हैं ऑप्शन सेट करने के लिए लॉक के लिए, तो ये आपको लॉक सेट करवा देगा वैसे भी। अब हम पहले जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाके हमें सर्च करना होगा फिंगरप्रिंट सेंसर। सो फिंगरप्रिंट सर्च करते हैं और अब देख सकते हैं फिंगरप्रिंट आ चुका है। तो फिंगरप्रिंट आईडी में जाते हैं जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी में है। क्योंकि मेरा एक पिन ऑलरेडी सेट है इसलिए मुझे वो देना पड़ता है ताकि कन्फर्म हो सके कि मेरा ही फिंगरप्रिंट ऐड हो रहा है। अब फिंगरप्रिंट आईडी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल रहा है अनलॉक स्क्रीन। मान लीजिए आपने फिंगरप्रिंट ऐड किया बट आप उसे नहीं यूज़ करना चाहते हैं स्क्रीन अनलॉक करने के लिए, क्योंकि मान लीजिए आप सो रहे हैं और आपका फ़ोन यूज़ हो रहा हो, ऐसा कंडीशन नहीं चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को डिसेबल करके रखें। एक्सेस ऐप लॉक पर हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बनाया, वो आप ज़रूर देखें। अब हम करते हैं न्यू फिंगरप्रिंट को ऐड करते हैं। तो ये क्लियरली बता रहा है कि आपको अपने थंब को या फिंगर को इस सेंसर में लगाना होगा और ये ऑटोमेटिक रिकग्नाइज करेगा। ये देखते हैं कैसे। अब मैं ऐड करूँगा अपना थंब, सेंसर पे अपना थंब यूज़ कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ आपका थंब आ रहा है वहाँ वहाँ का पैटर्न वो ऑटोमेटिक करता जा रहा है और आपको बताता जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ और ऐड करना है। आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे थंब रजिस्टर हो चुका है, इसे आप रीनेम कर सकते हैं हाथों हाथ। मैं इसे थंब दे देता हूँ और यहाँ पर अब ये थंब के नाम से आएगा। इसी तरह से चाहे तो आप अपना फिंगर, दूसरा फिंगर यूज कर सकते हैं। बहुत इजी है ये प्रोसेस, थोड़ा सा कभी कभी टाइम लगता है डिपेंडिंग आप कैसे यूज कर रहे हैं। और ये आ गया, अब मैं इसे रीनेम कर देता हूं। अब आप चाहे तो इसे अनलॉक स्क्रीन पे यूज कर सकते हैं। तो आपको दिखा देता हूं, अगर मैं फोन लॉक करता हूं और अनलॉक करने के लिए अगर अपना फिंगर यूज करता हूं तो ये अनलॉक हो जाता है। अगर मान लीजिए आपको पता नहीं है कि कौन से फिंगर का फिंगरप्रिंट आपने इनरोल किया है, तो आप फिंगरप्रिंट रिकग्निशन पे जाइए और जब आप यहाँ अपना थंब देंगे तो ये हाईलाइट करेगा, और अगर फिंगर देंगे तो ये फिंगर को हाईलाइट करेगा। आप कोई और फिंगर देंगे तो ये नहीं हाईलाइट करता है। सो दोस्तों, इस तरह से ऑन अ व्यू 10 में आप अपने फिंगरप्रिंट को इनरोल कर सकते हैं ऐप लॉक के लिए, स्क्रीन लॉक के लिए और भी कई फीचर्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल पे और हमें बताएं कमेंट्स में कि आपको और कौन से वीडियो देखने हैं। देखने के लिए धन्यवाद।